नवरात्र पर पडरौना में एक समुदाय पर एक तरफा कार्यवाही अनुचित, महिलाओं को भी नहीं बख्शा मौर्य। पडरौना में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय सोशल समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रही भाजपा सरकार हिंदू और मुस्लिमों को लड़ा रही है। सोशल मीडिया के रिपोर्ट से सच्चाई पता चल रही है। बेकसूरों और पुलिस ने भेज दिया है जेल, जबकि रिहाई की जाए। संपूर्ण राष्ट्र भारत है तो हिंदू राष्ट्र की बात क्यों? नैतिकता हो तो कार्यवाही करे भाजपा सरकार, स्वामी प्रसाद मौर्य। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कहा, प्रदेश में उपचुनाव को लेकर हिंदू मुस्लिम एकता अमन चैन भाईचारा सौहार्द बिगाड़ रहे। संवैधानिक रूप से सत्ता में चुनकर आए भाजपा के नेता सत्ता के मद में चूर सत्ता पक्ष के लीग उड़ा रहे कानून की धज्जियां। प्रदेश में घट रही घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि दलित पिछड़ों का उत्पीड़न और हत्या की बड़ी घटनाएं निंदनीय और चिंताजनक हैं। महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। मौर्य ने उत्सव में बज रहे डीजे साउंड की आलोचना करते हुए कहा कि डीजे भी बिगाड़ रहा सांप्रदायिक माहौल, मुख्यमंत्री लगाए रोक। कहा कि संपूर्ण राष्ट्र भारत है जो हिंदू राष्ट्र की बात क्यों? इसका मतलब है कि वो देश का दुश्मन है, वह देश को बांटना चाहता है। अगर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री बड़े संवेदनशील हैं तो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करें, उन्हें जेल भेजें, क्योंकि संविधान इसकी मान्यता नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी, उसके सहयोगी संगठन एवं RSS उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव को देखते हुए एक साजिश के तहत हिंदू मुसलमानों को आपस में लाने की लगातार नापाक कोशिश कर रही है। उसी का नतीजा है कि आज बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द साजिश के तहत बिगाड़ा जा रहा है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 15 के तहत, 51 के तहत हम सभी को संविधान की नजर में समान समझते हैं। जाति, वर्ग, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। ये बड़ी दुखद बात है कि संविधान की शपथ लेकर के संवैधानिक महत्वपूर्ण पदों पर बैठने वाले लोग आज संविधान की ही धज्जियां उड़ा रहे हैं। आज जिस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है, आपस में भाई भाई का नारा लगता था, उस हिंदू मुस्लिम भाईचारे और सौहार्द को सत्ता में बैठे हुए लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए तहस नहस करने में लगे हुए हैं। अभी जो भी घटनाएं घटी हैं उसमें हर घटनाओं के वीडियो, फोटोज मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो प्रकाशित हुए हैं उसमें देखा गया है कि धर्म के नाम पर जिस तरीके से बहराइच में आगजनी हुई, धर्म विशेष के लोगों के घरों पर चढ़ करके झंडे तोड़े गए, बाजे गिराए गए और एक विशेष प्रकार का नारा लगाया गया, आग लगाने वालों की तरफ से भी बारजा 30 वर्षीय नौजवान को दबंगों ने पीट पीट के मार डाला। रायबरेली में अर्जुन पासी 21 साल का लड़का था, दबंगों ने पीट पीट के उसे मार डाला। फतेहपुर में एक कोरी समाज का नौजवान लड़का है 18 साल का, उसको बुरी तरीके मारा पीटा, पैर का नाखून निकाल लिया, मरा समझ के दफनाने जा रहे थे। किसी तरीके से 112 को कहीं से पुलिस की सूचना मिली, 112 पुलिस आई, देखी उसके साथ चल रही, अस्पताल आनंद फानंद में पहुंचाया, उसकी किसी तरह जान बच गई। पुलिस को बचाने की कोशिश कर रही थी, मौके पर मेरे जाने का कार्यक्रम बना। बहरहाल वहां की पुलिस ने उचित धाराओं में FIR बढ़ाई और उसकी गिरफ्तारी की। इसी प्रकार से अभी
18 वर्षीय नौजवान नितेश मौर्या की बनारस शिवपुर थाने में हत्या कर दी गई और उस हत्या के पीछे एक मंत्री का हाथ है, इसीलिए अपराधियों को बचाने का पाप कर रहे हैं मंत्री जी, जबकि उस आदमी को जलाया गया, एक पैर काट लिया गया, हाथ काट लिया गया और वहां की पुलिस उसको आत्महत्या साबित करने पर तुली हुई है। अभी तक लाश तो मिली लेकिन एक पैर नहीं मिला, एक हाथ नहीं मिला। आखिर आत्महत्या कोई करेगा तो अपना पैर और हाथ कहां से गायब करेगा। इसी के साथ ही साथ अभी गोंडा में एक स्कूल क्लास के बच्चे को, वहां पर 21 साल का था, घर में बुला के दबंगों ने पीट पीट के रास्ते में उसे मार डाला। मिर्जापुर में एक मौर्या समाज का लड़का, वहां के कुछ दबंगों ने 70-75 के लोगों ने गाड़ी चढ़ा के मार दिया, यद्यपि दबाव बना, पुलिस को सही घटना की जानकारी मिली, FIR हुई, वो जेल पहुंचा, उचित धाराओं में FIR भी दर्ज हुई। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? ये सारे घटनाक्रम 70-75 के द्वारा किया जा रहा है। इसी प्रकार से अभी मिर्जापुर में ही एक 14 साल का लड़का, उसे तलवार से काट के फेंक दिया गया, वो भी 70-75 का ही था। आखिर 70-75 के लोग आज सत्ता में इतने घमंड में चूर हैं कि अपने ही सरकार की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उनको अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। ये जितने दुष्कर्म पाप, और एक ही साथ अभी नवरात्र का महीना बीता, करीब 20-25 बहन बेटियां ऐसी हैं जिनको एक महीने के अंदर सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई, दुराचार की शिकार हुई, छेड़खानी की शिकार हुई। हम कहना चाहते हैं आखिर इन बहन बेटियों की दारू से खिलवाड़ करने वाले के घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? इन दलितों पिछड़ों की मार मार करके हत्या करने वालों के घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? उनके घर पर जमींदोज क्यों नहीं किया जा रहा है? उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? अंधा बाटे रेवड़ी, अपन अपन का दे। ये सरकार अपने संरक्षण में जो अराजक तत्व है उनको शरण दे रही है, संरक्षण दे रही है। अगर जात विशेष के जाति 33 लोग भेजे गए जिसमें 4 महिलाएं हैं, उन चारों महिलाओं को भी मैंने देखा, जिसमें एक की उम्र लगभग 65-70 साल है, एक 13-14 साल की लड़की है, एक ऐसी महिला है जिसके एक महीना का बच्चा है, दूध पीता बच्चा छोड़ के घर गई, वहां गई, दो बच्चे, और साथ ही साथ एक महिला अधेड़ उम्र की है, जिनका घटना के वक्त न मौजूदगी है, न लेना देना है, किसी भी CCTV फुटेज से उनको फोटो देखा जा सकता है, किसी की उपस्थिति नहीं है, उनको जेल भेजा गया। इसी प्रकार से लाला भिष्मा और भिष्मा सरकारी के भी उन लोगों को भेजा गया जिनकी मौजूदगी ही छावनी में नहीं थी। और इस तरीके से एक धर्म विशेष के लोगों को टार्चर करके कोई अगर धर्म निरपेक्ष बनने की कोशिश करता है तो हम समझते हैं कि उसकी बड़ी नादानी है। आप जो दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कड़ी सजा दीजिए, कड़ी कड़ी कार्रवाई करिए, लेकिन निर्दोषों को, वो विशेष धर्म को मानने वाला है, विशेष वर्ग का है, इसलिए उसको जेल भेजा जाए, उसके खिलाफ FIR हो, प्रताड़ित किया जाए। हम समझते हैं यह सर्वथा अनुचित है। इसी के साथ ही साथ जिला अध्यक्ष रामेश्वर कुशवाहा जी ने, अगर उनके मोबाइल से कोई सूचना वायरल हुई और उन्होंने खंडन किया कि मेरा इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं, तो उनके जान पहचान, घर परिवार, नातेदारों को पकड़ पकड़ जो टॉर्चर किया गया, यह भी एक जघन्य अपराध है। और सही मायने में माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसा लगता है पहली बार सरकार चला रहे हैं। सरकारें बहुत सी आती और जाती हैं, लेकिन भेदभावपूर्ण रवैया के साथ अगर काम किया जाता है तो हम समझते हैं उस सरकार पर उंगली उठेगी, लाजमी है। यही कारण है आज भाजपा सरकार पर सभी उंगली उठा रहे हैं, क्योंकि सरकार जानबूझकर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर रही है, एक वर्ग जात विशेष के लोगों को प्रताड़ित कर रही है। यही नहीं, मैं तो अभी पूरे प्रदेश का दौरा किया, कम से कम 2 दर्जन ऐसी जगहों पर गया
जहां पर दलितों और पिछड़ों की हत्याएं भी हुई। ललितपुर में कुर्मी समाज के नौजवान को घर में घुसकर न केवल मारा पीटा, उसको आग लगा दिया गया। इत्तेफाक से पुलिस पहुंचकर उसको एडमिट कराई, किसी तरह उसकी जान बची। महोबा में एक चौरसिया समाज के 22 साल के जवान को गोलियों से भून दिया गया। हमीरपुर मंत्री से पूछना चाहता हूं, क्या किसी भी आराध्य के नाम पर नारा लगाने का लाइसेंस किसी के घर को तोड़ने के लिए, किसी के घर पे मजहबी झंडा उखाड़ने के लिए, दुकानों में आग लगाने के लिए, क्या वो लाइसेंस है? आराध्य ईश होता है, साथ ही साथ लोगों की भावनाओं से जुड़ा होता है। धर्म कल्याण के लिए होता है, धर्म के नाम पर माननीय मुख्यमंत्री स्वयं अपील करते हैं कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, किसी धर्म के साथ किसी प्रकार की दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई या अपमानजनक बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज जो भी घटनाएं घट रही हैं, कहीं ना कहीं उसमें सत्ता पक्ष और आरएसएस की मिलीभगत है। हम समझते हैं बड़े पैमाने पर सैकड़ों की तादाद से भी ज्यादा पुलिस के रहते बहराइच में आग कैसे लगी, घर पे झंडा और बाजा कैसे गिराया गया, रामगोपाल मिश्रा को गोली कैसे लगी, इस सब के लिए जिम्मेदार बहराइच की पुलिस है। लोग नंगा नाच करते रहे, दुकानों में आग लगाई जा रही थी, घरों में आग लगाई जा रही थी, झंडा विशेष धर्म के लोगों का तोड़ा जा रहा था, बाजा गिराया जा रहा था, रामगोपाल मिश्रा को गोली दर गोली मारी गई। आखिर वहां की पुलिस गूंगी बहरी अंधी बनकर के तमाशबीन क्यों रही? अगर पुलिस सक्रिय होती, पुलिस ने अपनी भूमिका निभाया होता, तो न रामगोपाल मिश्रा को गोली लगती, न किसी धर्म विशेष का झंडा तोड़ा गया होता और न बहराइच के दुकानों में आग लगाई होती। इस सब के लिए जिम्मेदार उत्तर प्रदेश की सरकार और उसकी गैर जिम्मेदार पुलिस है। यहां तक कि बहराइच का पूरा पुलिस प्रशासन तमाशबीन बनकर के वहां बहराइच का नजारा देखता रहा। एडीजी लाइन प्रशासन को मजबूरन अपने रिवॉल्वर निकाल करके भीड़ को दौड़ाने जेल भेजा गया और 151 में जेल भेजा गया, जिसकी तत्काल जमानत होनी चाहिए। उन्हें हफ्ते भर जेल में रखा गया, थानों पर प्रताड़ित किया गया, दर्जनों लोगों को बुला बुला करके टॉर्चर किया गया, धमकी दी गई कि आप उनका पता बताइए। जब उनका पता घरवाले नहीं जानते तो उनके पास पड़ोस के लोग कैसे जानेंगे? इसलिए जिस तरीके से पुलिसिया नंगा नाच इस प्रणाली में दिखाई पड़ा, स्वाभाविक रूप से बहुत ही निंदनीय है। और साथ ही साथ आज बड़े इन झगड़े फसाद के पीछे जो हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है, इसके पीछे बहुत कुछ डीजे का भी हाथ है। क्योंकि जब डीजे बजता है तो लोग उसमें ऐसे नफरत भरी गीत और गाने गाते हैं जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी से मेरी अपील है, यदि वाकई में वो प्रदेश निर्माण चाहते हैं, कानून व्यवस्था का राज चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम सौहार्द चाहते हैं, भाईचारे का समाज बनाना चाहते हैं, तो डीजे के माध्यम से फूहड़ गाने पर रोक लगनी चाहिए। और साथ ही साथ जहां पर किसी भी धर्म विशेष का कोई कार्यक्रम हो, वहां पर
माइक का प्रयोग तो कर सकते हैं, लेकिन डीजे के माध्यम से जो भोंदी बातें करते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग होता है, कहीं कहीं गालियों की प्रयोग की जाती है और कहीं कहीं फूहड़ गाने बजाए जाते हैं जिसके नाते माहौल बिगड़ता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसे फूहड़ गानों पर प्रतिबंध लगाने के लिए डीजे के माध्यम से जो नंगा नाच हो रहा है उस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। क्योंकि अभी कल ही सूचना जारी हुई है, इसलिए इस पर मैं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करके एक दो दिन में जल्दी ही फैसला करूंगा और सब सम्मत से जो भी निर्णय आएगा उसके मुताबिक आगे कार्रवाई की जाएगी। स्वाभाविक रूप से पार्टी किसी को लड़ा भी सकती है, अन्यथा जो लाइक माइंडेड पार्टियां हैं उनको सपोर्ट भी कर सकती है, लेकिन अभी अंतिम निर्णय क्या होगा ये आपसी विचार मंथन के बाद ही तय होगा।